ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये सेकंड क्लास है और थर्ड ऑफ मई को ये क्लास हो रही है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने तीन टॉपिक लिए थे, जो दो तो पॉलिटी से रिलेटेड थे और एक एक तो करंट अफेयर्स से, मेडिसिन से रिलेटेड था, एक पॉलिटी से रिलेटेड था और एक ज्योग्राफी से रिलेटेड था पिछली क्लास में। उसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, अभी आपके सामने आएंगे सारे क्वेश्चंस। तो आप देखिएगा आपको कितना आप लोगों ने पढ़ाई की है। मेरे हिसाब से कल की क्लास में जो हुआ होगा उसको रिवीजन करके सब लोग आएंगे आए होंगे और तुरंत उन चीज़ों के आंसर देंगे। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और तो मुझे चाहिए कि जो आप पिछली वाली क्लासेज हैं उनके लेक्चर्स पढ़ के आए होंगे। आप सबके पास में PDF है उसकी, तो आप लोग सब पढ़ के आए होंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा सेकंड लेक्चर है ये करंट अफेयर्स पे। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं कुछ करंट अफेयर्स के लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस डेली कराऊंगा। एंड सेकंड थिंग कि दो दो टॉपिक्स ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। जैसे लगभग आप SSC का एग्ज़ाम का देखेंगे या बैंक्स का देखेंगे या रेलवेज का देखेंगे, तो उनमें लगभग 20 टॉपिक के आसपास ज्योग्राफी में आते हैं। तो लगभग मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 10 दिन में या 10-12 दिन में लगभग आपका ज्योग्राफी के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो हर दिन जो दो दो ज्योग्राफी के टॉपिक लिए जाएंगे। जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होगी हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स स्टार्ट कर देंगे, फिर इकोनॉमिक्स के टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म किया जाएगा। SSC की बात करें तो मैं पेपर देख रहा था, लगभग 7 नंबर की ज्योग्राफी आती है और 7 नंबर काफ़ी होते हैं SSC में पूरी रैंक या सिलेक्शन को ऊपर नीचे करने के लिए। आप अगर लगातार क्लास लेते रहेंगे और जिस तरह से मैंने देखा है उसके क्वेश्चंस का पैटर्न, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को किसी को भी। अगर ये आप फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। कैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो भी आप लोगों को इसमें पता चलेगा। तो 25 लोग आ गए हैं, अभी देखते हैं कुछ आते तो आज आज अलाउ कर देते हैं, कल से 6-5 के बाद में किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का है वो एटमोसफेयर। क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर हम लोग मराठी मीडियम में हैं या हिंदी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे, तो कुछ हिंदी के वर्ड्स मैं डाल दूंगा, पर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सारा आपको मराठी में या हिंदी में मिलेगा। क्योंकि बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादातर एग्जाम्स की अच्छी बुक्स इंग्लिश में आती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इंग्लिश में थोड़ा सा आपको भी अपना फ्लो लाना है अगर आपको कहीं पर सेलेक्ट होना है तो थोड़ा सा इस सब पे आप लोग देखिएगा। जो हिंदी मीडियम से होके जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी ये पर्टिकुलरली इतनी छोटी छोटी इंग्लिश आती है। पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल होता है जो हमारे चारों तरफ है उसको वायुमंडल बोलते हैं। जैसे धरती के चारों तरफ जो एयर है वो जो भी एयर है उसको क्या बोलेंगे? एयर, या वो जो सराउंडिंग है उसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल। वो वायुमंडल पूरा धरती से किस तरह से कनेक्टेड है, वो क्यों नहीं बाहर की तरफ फैल सकता, उसके पीछे रीजन है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटी उसको होल्ड करके रखती है, इस वजह से वो बाहर की तरफ पूरे वायु एटमोसफेयर भाग नहीं जाता, वो यहाँ पे सीमित है। इसी वजह से यहाँ पे पूरा पूरा जीव जंतु जीवित रहते हैं। अदरवाइज वायुमंडल नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी जीवाणु या कोई भी पेड़ भी जीवित नहीं रह सकता। लगभग ये 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारा वायुमंडल। 99% उसका पार्ट लगभग 32 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाता है। तो हम बताएंगे कि वायुमंडल किन चीज़ों से बना है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में ग्रुप डी में लगभग मैं देख रहा था तो उनमें ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि ऑर्डर बताओ। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो 78% है, फिर ऑक्सीजन है जो कि 20 से 21% के बीच में, फिर आर्गन है। आर्गन इनर्ट गैस होती है, मतलब वो कोई रिएक्शन नहीं करती है, जैसे गुब्बारों में भरी जाती है आर्गन, या हीलियम, ये सब इनर्ट गैस हैं, कोई कोई रिएक्शन नहीं करती है। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में 0.9% CO2 भी हमारे एटमॉस्फेयर में 0.037। CO2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो नीचे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, तो वो CO2 की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर में पहले से CO2 होती है, हम लोग और फैला रहे हैं, उस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ रहा है। और भी कुछ गैसेस है, हीलियम है, जैसे वही इनर्ट गैस आ गई, मीथेन है, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये कंपोजिशन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इतना भी याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे।
अब जो टॉपिक एक और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एक टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि सूरज हमको क्या देता है, रोशनी देता है, तो सारी की सारी रोशनी आती है और ये रोशनी आ रही है ऊपर से और ये हमारी धरती से टकरा के वापस से एटमोसफेयर पे वापस से चली जाती है, ऊपर की तरफ वापस से चली जाएगी। तो इसको रोकने, ये जब वापस से जा रही है तो हमारा एटमोसफेयर क्या करता है, इसको वापस से रोक लेता है। क्योंकि हमको क्या होता है कि अगर ये पूरी की पूरी वापस से चली जाएगी, अर्थ को स्केप कर जाएगी, तो क्या होगा कि पूरा धरती बहुत ही ठंडा हो जाएगा और उस ठंडे होने की वजह से कोई भी जीव जंतु यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसके इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, जो वापस से जा रही रोशनी है उसको वापस वापस से रिफ्लेक्ट बैक करता है अपनी धरती की तरफ। कुछ रोशनी आई जैसे 100 आई, तो उसमें से 37 तो वो पहले से रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ से वापस से भेज देगा, और कुछ रोशनी को क्या करेगा कि वो आने देगा, और फिर आने के बाद में जब वो वापस से जाने की लगेगी ऊपर की तरफ तो यहाँ पे वो रोक देगा और वापस से उसको नीचे की तरफ वापस से भेज देगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा होता है या खराब होता है? बिल्कुल अच्छा होता है, इसी की वजह से सब लोग जीवित हैं अपने पूरे, अदरवाइज इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पे कोई जीवित रह ही नहीं सकता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए बहुत जरूरी है। अब फिर हम लोग इतना क्यों ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रोते रहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं? क्योंकि ये ज़्यादा रुकना भी ज़्यादा सही नहीं है। मान लो कि ये 100 आया था और उनमें से 5 रुक गया तो ठीक है अपने लिए, पर अगर ये ज़्यादा रुक गया, मान लो 5 की जगह 10 100 यूनिट्स आई थी, तो 5 की जगह 10 रुकने लग गई, तो क्या होगा, ये एटमोसफेयर का जो टेम्परेचर है अपना, ये धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारे उसके इम्पैक्ट्स आने लगेंगे। जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लग जाती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो कहाँ आती है, नदियों में आती है, नदियों में से कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी, समुद्र से क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। इसलिए तटीय इलाके जो जो है बहुत खतरे में आ जाएंगे, जैसे कि मुंबई है तटीय इलाका है, बांग्लादेश का बहुत सारा एरिया तटीय इलाका है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके भी बहुत सारे इलाके इस वजह से डूब जाएंगे। तो इस वजह से बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत एक हद तक ठीक है, बट उसका एक अगर हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ता गया किन्हीं भी रीजंस की वजह से, तो ये बहुत खराब है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता कैसे? नेचुरली तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है एटमोसफेयर में, वो उसको रोक लेती है, जो गैसेस जाती हैं, सॉरी जो रेडिएशंस आया सूरज से, तो उसमें कुछ को रोक लेगी और ज़्यादातर को निकलने देगी। पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, तो क्या होगा कि उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी कि जो वापस जाने वाली जो रेडिएशंस है वो इतनी बाहर वापस से नहीं जा पाएंगे, तो यहीं पे रहेंगे, अपने आसपास में रहेंगे, आसपास में रहेंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सारे एरियाज के टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और वो हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एज सच खुद से खराब नहीं है, पर उसका ग्रीन हाउस गैसेस उसकी 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 इंटेंसिटी बढ़ा रही है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा खराब है। हमारी सारी रोशनी कहाँ से आती है, सूरज से, ये याद रखिएगा। तो ग्रीन हाउस कैसे बढ़ता है, कुछ गैसेज होती हैं जो हम लोग निकालते हैं और वो एटमोसफेयर में जाके इकट्ठी होती रहती है, और वो क्या करती है, सूरज की रोशनी जो धरती से वापस से टकरा के जाती है, याद रखिएगा, आने वाली किरणों को नहीं रोकता ये, जाने वाली किरणों को रोकता है। तो जो जाने वाली किरणें होती है उसमें कम एनर्जी रहती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग कभी पढ़िएगा, तो उनको ये ग्रीन हाउस गैसेस रोकती रहती है। और वो रोकने की वजह से क्या होता है कि उसमें रोकने की वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर अपनी धरती की सतह के ऊपर का वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और उसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये सब स्टार्ट हो गया। तो कौन कौन सी गैसेज है, इनमें से 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक हुआ था, क्योटो कहाँ पे जगह, जापान में, याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में, क्योटो कहाँ पर है, जापान में। वहाँ पे क्या, सारे दुनिया के लोग उन्हें परेशान हो गए कि देश कि भाई अब करे क्या, तो वहाँ पे आके एक प्रोटोकॉल साइन कर लिया, प्रोटोकॉल मतलब एक संधि कर ली कि क्या कर सकते। तो उन्होंने बोला कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो सबसे ज़्यादा अभी ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं, तो इनको धीरे धीरे हमको कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अलग से कभी पढ़ेंगे। तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। मतलब तीन में तो फ्लोरो ही आ गया,
और नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोग नाम याद रखिएगा सारे के सारे। ये पूछ लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी गैसेज हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ साइन हुआ था, उसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट एज सच खुद से खराब है, खराब नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज से तो बहुत सारी खेती बाड़ी होती है, तो इस तरह से खराब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, हमारी जो गाड़ी चलाते हैं उसमें पीछे से एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आप घरों में चूल्हा जलाते हो उसके एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आप इवन गैस पे गैस भी चलाते हो उसमें भी थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमारी इंडस्ट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मीथेन कहाँ से निकलती है, आप लोगों को पता है मीथेन कहाँ से निकलती है? मीथेन ज़्यादातर जो मीथेन निकलती है वो निकलती है राइस के फील्ड से, मतलब जो चावल के खेत होते हैं उनमें से ज़्यादा मीथेन निकलती है। चावल काट लेते हैं, नीचे डंठल रह जाता है, पानी के अंदर उस में ऑक्सीजन नहीं होती, इस वजह से उस वो जब रिएक्शन होके और एक तरह से मीथेन का मीथेन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, एनारोबिक कंडीशंस में मीथेन प्रोड्यूस होती है। और जो गाय भैंस होती है उनके गोबर में से भी मीथेन निकलती है, तो आपको पता रहना चाहिए मीथेन के क्या क्या सोर्सेज हैं। ये इवन बड़े बड़े एग्जाम्स यूपीएससी वगैरह में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, जो हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उसमें पीछे से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये फ्लोरोकार्बन्स जो भी हैं ये सारे के सारे निकलते हैं, जो हम एसी वेसी चलाते हैं या कंडीशनर टाइप की चीज़ें होती हैं इनमें से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। ओके, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें से लगभग आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि एटमोसफेयर के बारे में ये सारी चीज़ें ही पूछी जाएंगी। उसके अलावा ये एटमोसफेयर का एक पार्ट है, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे एटमोसफेयर में। मैंने बोला लगभग 1000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, जैसे ये तो होगी अर्थ, इसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर आएगी वो होगी ट्रपोस्फेयर, क्या नाम है, ट्रपोस्फेयर। फिर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगी मीजोस्फेयर, फिर आएगी थर्मोस्फेयर, और एग्जोस्फेयर हमारे स्फेयर का पार्ट नहीं है, वो बाहर की तरफ है। तो ये कौन कौन सी लेयर है और क्या क्या काम आती है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ट्रपोस्फेयर इसका नाम थोड़ा गलत लिख दिया है, इसका नाम कुछ और है, तो इसको देख लेंगे इसका हिंदी में नाम क्या है। ट्रपोस्फेयर क्या होती है कि ये जो ट्रपोस्फेयर है इसमें सारी की सारी एक्टिविटी होती है अपने, सारी की सारी। इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक होती है, इक्वेटर पे थोड़ी ज़्यादा होती है, पोल्स पे थोड़ी सी थोड़ी नीचे की तरफ आ जाती है ऐसे की तरफ, और इक्वेटर के इक्वेटर पे थोड़ी हाइट ज़्यादा रहती है। तो 18 किलोमीटर इक्वेटर पे हाइट रहती है और 8 किलोमीटर पोल्स पे रहती है। अब क्या होता है, जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं हम कौन सी लेयर में खड़े हैं, ट्रपोस्फेयर लेयर में खड़े हैं, क्योंकि हम 18 किलोमीटर लंबे तो है नहीं, तो हम कौन सी लेयर में, ट्रपोस्फेयर लेयर में। ट्रपोस्फेयर लेयर में क्या होते हैं, सारे बादल वादल जो भी होते हैं वो सारे के सारे, बिजली कड़कना, बादल, अभी भी बारिश हो रही है कई कई जगह पे, राजस्थान में बारिश हो रही है, तो ये सारी एक्टिविटी कौन से एटमोसफेयर में हो रही है, सॉरी कौन से स्फेयर में हो रही है, ट्रपोस्फेयर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें सारे वेदर चेंजेस जो भी होते हैं वो ट्रपोस्फेयर में होते हैं। ट्रपोस्फेयर टी से मतलब ट्रबल, आप लोग टी से भी याद कर सकते हैं, ट्रबल है यहाँ पे, तो सारे के सारे ट्रबल या ट्रबुलेंस इसी में होते हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे आप भी जानते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता है, पहाड़ पे भी आप जाते हैं तो ऊपर की तरफ घटता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर की तरफ घटने लगता है, तो ये ट्रपोस्फेयर के बारे में कहानी है। दूसरा कौन सा है, ज़्यादातर अपना जो गैस है ना, ज़्यादातर धीरे धीरे ऊपर ऊपर की तरफ जाते जाते थिन होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है। तो क्या होता है कि सारा ज़्यादातर गैसेज जो हमारी है, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सारी की सारी ज़्यादातर हमारी ट्रपोस्फेयर के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसका नाम है समताप मंडल, ये लगभग 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। इसमें सबसे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर देखिए आप, ये स्ट्रेटोस्फेयर का ही एक पार्ट है ओजोन लेयर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुआ और लगभग किलोमीटर्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई 25 से 50 लिख देता है, कोई 20 से 50 लिख देता है, आप मोटा मोटी याद रखिए। सेकंड आता है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ये इसमें बहुत स्ट्रेटोस्फेयर मतलब स्टैटिक, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, बस वहाँ पे एक लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या काम करती है, ओजोन लेयर क्या होती है, जो सन से अभी देखा हमने, जो ऊपर की तरफ सन है, ऊपर की सन से जो रेज आएंगी उसमें से एक हानिकारक रेज होती है, उनका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो सन से आती है, वो सन से आती है तो उनको एब्जॉर्व कर लेती है, उनको सोख लेती है, इसलिए वो हानिकारक रेज हमारे तक नहीं पहुंचती, वो वहीं पे एब्जॉर्व हो जाती है। अब क्या होता है, वो रेज अगर हमारे तक आने लग गई तो हमारे को क्या, हमारी चमड़ी या स्किन को
बहुत सारे इम्पैक्ट, स्किन कैंसर तक हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत यूजफुल लेयर है, ओजोन लेयर, ओजोन परत। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओजोन में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि होल हो रहा है, छेद होना स्टार्ट हो गया। कुछ ऐसे जो हमारे फ्रीज से जो CFCs निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें छेद स्टार्ट हो गया। और इस वजह से क्या हुआ, ये परत पतली होती गई, छोटी होती गई, और पोल्स पे ज़्यादा छोटी होने लग गई, मतलब पतली परत हो गई। इस वजह से क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमोसफेयर में घुसने लग गई। इस वजह से बहुत सारे कैंसर, स्किन कैंसर्स भी बढ़ने लग गए। अब धीरे धीरे मॉन्ट्रियल एक एग्रीमेंट हुआ था, धीरे धीरे इस ओजोन लेयर को वापस से सही किया जा रहा है। वापस से सही करने का क्या तरीका, वहाँ पे कोई आदमी जाके तो ओजोन छोड़ नहीं सकता, तो कैसे सही कर सकते हैं, उसको कम कौन कर रहा था, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वो कहाँ से निकलते हैं, वो अपने एयर कंडीशनर या फ्रिज से निकलते हैं। तो क्या किया जाए, फ्रिज और एयर कंडीशनर तो हम यूज़ करेंगे करेंगे, तो क्या करेंगे, उसकी जगह कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे। तो उसकी जगह आजकल दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, HFCs वगैरह आने लग गए हैं, वो सब यूज़ कर रहे हैं। CFC लगभग ख़त्म हो गया यूज में, तो ओजोन लेयर भी वापस से बनने लगी। इसका काम क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब करती है तो क्या करेगा, जब रेज को एब्जॉर्ब करेगी तो थोड़ा थोड़ा इसमें टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर स्टैटिक रहता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल है। फिर जहाँ से ओजोन लेयर स्टार्ट होती है वहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। इसमें कोई क्लाउड तो होता नहीं है, क्लाउड तो सारे नीचे रह गए ट्रोपोस्फेयर में, तो यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते। क्लाउड्स नहीं होते तो यहाँ पे प्लेन्स आराम से उड़ते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इसलिए ये थोड़ा सा यूजफुल चीज़ है कि सारे प्लेन्स वगैरह हमारे कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। थोड़ा याद रखिएगा, सारे बादल या बारिश कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में। प्लेन्स कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लाउड्स कहाँ होते हैं, नीचे वाली लेयर में स्टार्ट हो जाते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ऊपर वाले में। टेम्परेचर पहले ट्रोपोस्फेयर में तो पहले ज़्यादा से कम होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में चूँकि ओजोन ऑब्जॉर्व कर लेती है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। अगली लेयर आती है मीजोस्फेयर, ये लगभग 80 किलोमीटर तक चलती है, मतलब 50 से लेके 80 तक मीटर। मीजोस्फेयर का ज़्यादा काम नहीं है, काम तो बड़ा है पर आप इतना आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है। जो मीटियोर्स ऊपर से उल्काएँ आती हैं और जो गिरती हैं, तो ये मीजोस्फेयर वहाँ पे इनको ब्रेक कर देता है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, आप तक नहीं आती। अगर उल्काएँ आने लगेंगी तो धरती ख़त्म हो जाएगी। अभी भी थोड़े दिन पहले की बात, कुछ एस्ट्रॉयड आ रहा था, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा एस्ट्रॉयड आ रहा था। तो मीजोस्फेयर क्या करता है, मीटियोर्स को बंद करता है। तो एम से याद रहेगा मीटियोर्स, एम से मीजोस्फेयर। उसके बाद में आता है थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, आयन मंडल जिसको बोलते हैं। ये क्या कहता है, इसमें आयंस जो गैसेज होती है वो आयोनिक फॉर्म में आ जाती है, आयंस बन जाती है। आपको मोटा मोटी याद रखना है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। रेडियो मतलब एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने के लिए काम आती है। तो रेडियो कम्युनिकेशन जहां पे भी काम आता है वहां पे ये आयनोस्फीयर का यूज़ करके ही वो एक तरह से रेज भेजता है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और वो एक एंटीना से दूसरे एंटीना में ये कम्युनिकेशन हो जाता है। कुछ सैटेलाइट्स भी इस आयनोस्फीयर में होते हैं। और ये ऑरोरा एक तरह से रात को बहुत चमकीली मतलब एक फिनोमिना होता है एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, स्वीडन वगैरह कंट्रीज़ में, इनमें नॉर्वे वगैरह में देखने को मिलता है रात को। बिल्कुल मूवीज़ में आपने देखा होगा, बहुत रंग बिरंगी रोशनी टाइप की डेवलप होती है मूवीज़ में देखने को मिलेगा, अपने यहाँ पे दिखता नहीं है सब। तो वो अरोरा होता है, वो भी इसकी वजह से होता है, आपको थोड़ा सा याद रखना। बाह्य मंडल लास्ट है एग्जोस्फेयर, ये उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 500 किलोमीटर के बाद में। तो थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर लगभग 500 किलोमीटर तक चलता है। इसको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक थोड़ा सा है, लोग भूल जाते हैं, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। टी का मतलब थर्मो ट्रोपोस्फेयर, ST का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, M का मतलब मीजोस्फेयर, T का मतलब THE है तो थर्मोस्फेयर हो गया वापस से, और ES का मतलब एग्जोस्फेयर। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। पहला टॉपिक होपफुली आपको याद हो गया होगा, इससे बाहर आपसे लगभग नहीं पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इधर उधर के, कभी बाहर के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको क्विज के अंदर डालता रहूँगा इससे रिलेटेड। दूसरा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ये लाइंस वगैरह मत कीजिए इसमें। दूसरा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ये भी इसी से रिलेटेड है। दोनों ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं तो मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में हम क्विज करेंगे, छोटा सा आज क्विज है। तो सौर मंडल, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में लगभग कोई एग्ज़ाम नहीं छूटता जिसमें सौर मंडल से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम है क्या चीज़, सोलर सिस्टम कुछ चीज़ों को मिला के, जैसे हमारी फैमिली में क्या, एक भाई एक बहन एक पापा मम्मी, इस तरह से मिला के एक फैमिली बनती है, इसी तरह से सोलर सिस्टम भी एक फैमिली है।
उसमें कौन कौन आते हैं? सन आता है उसमें मुखिया। आठ प्लेनेट आते हैं, नौ नहीं है आठ है, प्लूटो अब प्लेनेट नहीं रहा, आठ प्लेनेट है। उसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स आते हैं, सैटेलाइट्स कौन से? प्लेनेट के सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है ना। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जो जैसे कि मून है, मून एक सैटेलाइट है ऐसे, मतलब हर किसी के कुछ ना कुछ सैटेलाइट होंगे, ज़्यादातर प्लेनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, तो वो सैटेलाइट्स। कुछ कॉमेट्स होंगे, एस्टेरॉयड्स होंगे और मीटियोर्स होंगे, तो ये सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब मिला के सोलर सिस्टम है। आपसे कभी सोलर सिस्टम पूछ ले तो सिर्फ सन या प्लेनेट नहीं है, उसके अलावा भी जैसे प्लेनेट का देखो, सन के चारों तरफ कौन घूमते हैं? प्लेनेट। प्लेनेट के चारों तरफ कौन घूमते हैं? उनके सैटेलाइट या मून, उनके नाम होते हैं, है ना। अभी एटमॉस्फेयर में पूरा अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही मून नहीं है। कोई बोले कि हमारे कितना मून है, एक मून नहीं है, बहुत सारे मून है। तो धरती का एक मून है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इनके नाम है। आप लोगों को याद करने के लिए सिंपल है, एक ट्रिक आती है एनसीईआरटी में भी दे रखी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स। पहला पहला लेटर उठाओ, सारा नाम याद आ जाएगा आपको। तो पर आपको, और ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, एम मतलब मरकरी सबसे पहले आएगा, मतलब सूरज के सबसे पास में वो, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर आप हिंदी में या मराठी में याद करना चाहते हो तो बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह के नाम है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो याद करो। मेरे हिसाब से इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, इतना कोई भयंकर डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। आप लोगों को सबको इंग्लिश में, हम लोगों ने भी पहले हिंदी में पढ़ा था, अभी इंग्लिश में सब कुछ याद है। ऐसा नहीं है कि भाई बृहस्पति बोलते हो या किसी को जुपिटर को या सैटर्न को सनी बोलते हो, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। इंग्लिश में भी याद कीजिए, हिंदी में भी अगर कोई आप पढ़ रहे हो तो, या मराठी में पढ़ रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला काम कौन सा है? सन। सन के बारे में पढ़ते हैं। सन क्या है? जो हमको रोशनी देता है, जहाँ से सारी एनर्जी आती है, जहाँ से सारा लाइफ साइकिल चल रहा है। कैसे होता है आप देखेंगे सन की महत्ता, तो कोई बोलेगा सर मेरे को तो पसंद नहीं है रोशनी, तो ऐसा नहीं है। सन से जो रोशनी आती है, किरणें आती हैं, उनसे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाता है? जीव जंतु खाते हैं। जीव जंतु, हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग जीव जंतु भी खा जाते हैं और पेड़ पौधे भी खा जाते हैं। तो मतलब पूरा लाइफ साइकिल किस पे डिपेंडेंट है? जो सबसे पहले एनर्जी आई, सबसे पहले एनर्जी कौन सी है? सन। इसलिए सन बहुत ज़रूरी है, इसलिए सन को बहुत पूजा भी जाता है हिंदू धर्म में, तो खास तौर पे सन को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो सारा एनर्जी हमको वहीं से मिलती है, तो इसलिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सन किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों से बना हुआ है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनसे बना हुआ है। सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप लोग सोचते होंगे ये सन क्या कोई वहाँ लाइटर लेके थोड़ा ना बैठा है, तो वहाँ से एनर्जी कैसे आती है? तो सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये याद रखिएगा, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन। फ्यूजन से वहाँ पे एनर्जी डेवलप होती है। अभी मैं इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा ना फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन आप याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है पावर प्लांट्स में यूज होती है फ्यूजन, और यहाँ पे सन के अंदर होती है फ्यूजन, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें भी फ्यूजन का यूज किया जाता है। तो वहाँ से हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी सेल्स के अंदर रिएक्शन होती हैं, वो खाने को, खाना कार्बोहाइड्रेट जब जाते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होती है, उनको बहुत सारी एनर्जी स्टार्ट हो जाती है मिलना। इसी तरह से सन के अंदर एक फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनॉर्मस एनर्जी वहाँ से निकलती है, ठीक है। अब सन की भी लेयर्स बात करते हैं, जैसे अर्थ की लेयर्स को हमने देखा था, वैसे सन की लेयर को भी देखते हैं। सन की लेयर्स कौन कौन सी है आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये कोर होता है अंदर वाला, ये कोर है, उसके बाद में एक फोटोस्फीयर आता है, ये रहा फोटोस्फीयर, जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी डेवलप होती है। उसके बाद में एक क्रोमोस्फीयर आता है, और उसके बाद में कोरोना आता है। मतलब क्रोमोस्फीयर सबसे बाहर का पार्ट होता है, कोरोना जो हमको विजिबल होता है। कई बार आप सन देखेंगे, सन दिखता है उसके चारों तरफ, हमको लगता है कि जैसे कुछ बिजली टाइप की निकल रही है, मतलब कुछ लाइट टाइप की निकल रही है, उसको बोलते हैं कोरोना। और ख़ास तौर पे इक्लिप्स होते हैं, ग्रहण होते हैं, उसमें ये कोरोना क्लियरली दिखाई देता है। प्लेज और सन स्पॉट, ये दो, जैसे सन के ऊपर एक कुछ ब्राइट पार्ट्स होंगे, कुछ डार्क स्पॉट्स होंगे, जैसे ये डार्क स्पॉट है, ये वाले डार्क स्पॉट हैं, तो इनको सन स्पॉट्स बोलते हैं। और ब्राइट वाले पोर्शंस भी कुछ होंगे, इधर उधर हमको इसमें दिखा नहीं रखा,
तो ये क्या होंगे, प्लाजेज होंगे। तो ये टोटल मिला के सन की ये चीज़ है। आप बोलोगे सन स्पॉट सर हमको कैसे दिखाई देगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको बहुत सारे इसके लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं तभी दिखेंगे, आप सुबह उठ के देखने मत लग जाना। तो ये इसके मतलब ये इसका सन का पूरा एटमोसफेयर। अब बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों की। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? आप बार बार में सूर्य ग्रहण बहुत ही बोलते हैं कि बहुत अशुभ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं उससे जो अच्छी नहीं होती आंखों के लिए भी। सूर्य ग्रहण होता क्या है? सिंपल चीज़ है। ये क्या है? सन। ये क्या है? अर्थ। अर्थ किस किस चारों तरफ चक्कर काट रही है? सन के। ओके, और एक और चीज़ है मून। मून किसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है? अर्थ के। तो क्या हुआ, अब ये मून चारों तरफ काट रहा है, सन तो अपनी जगह स्थिर है, ये स्थिर है, ये कहीं नहीं जा रहा, धरती काट रही है और धरती के चारों तरफ मून भी चक्कर काट रहा है। तो एक ना एक दिन तो ऐसा टाइम आएगा जब मून इन दोनों के बीच में आ जाएगा, धरती और इसके बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। तो बीच में आ गया तो क्या हुआ, अब बीच में ये मून आ गया तो क्या हुआ, जो सन से जो रोशनी आ रही थी वो सन से रोशनी तो आएगी पर कुछ जैसे ये जहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये बीच में आया उस पार्ट में परछाई रहेगी। उस पार्ट में क्या रहेगा? पूरी परछाई रहेगी। इस वाले एरिया में क्या रहेगा? परछाई रहेगी। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा कि यार सन तो है नहीं। तो सन को ग्रहण लग गया, दिन हो रहा है पर मून है ना चारों तरफ से घूमता घूमता बीच में आ गया, धरती और सूरज के बीच में आ गया। इस वजह से हमको लगेगा कि ये सन तो है ही नहीं, तो हमको क्या लगेगा, सन को ग्रहण लग गया, मतलब हमको दिख नहीं रहा। इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। मतलब सूरज और धरती के बीच में अगर मून आ जाता है तो इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ये आपको आप लोगों को याद रहेगा। अगर थोड़ा सा बीच में आएगा तो पार्शियली इक्लिप्स दिखेगा, पूरा का पूरा बीच में आ गया और आपके ऊपर ही पूरी परछाई आ गई तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सिंपल लॉजिक है, आप कभी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप बैठ जाइए, आप सूरज ऊपर रहेगा और आप क्या कीजिए, अपने पास में किसी बच्चे को खड़ा कीजिए या किसी आदमी को खड़ा कीजिए, वो उसको चारों तरफ अपने चारों तरफ घुमाइए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो सन के सामने आ जाएगा, जैसे सन के सामने आएगा आपको सन दिखना बंद हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या गया, आपको ग्रहण मतलब इक्लिप्स स्टार्ट हो गया। इसी तरह से मून अगर आ जाता तो बड़े लेवल पे अपने पूरी पृथ्वी पे बहुत सारी जगह पे वो दिखना स्टार्ट बंद कर देता सोलर के लिए, पर वो जहाँ जहाँ परछाई होगा वहाँ पे, पूरी दुनिया में इक्लिप्स एक साथ नहीं हो सकता, जहाँ पे ये सामने इसकी परछाई पड़ेगी वहाँ पे होगा। ठीक है, इसका साथ ही एक भाई है इसका, लोनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं? चंद्र मतलब अब चंद्रमा नहीं दिखेगा रात को, है ना। तो चंद्रमा किससे उसको रोशनी मिलती है? चंद्रमा के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और वहाँ पे रिएक्शन हो रही है और उससे रोशनी निकल रही है। अभी भी कुछ लोग सोचते होंगे कि रात को चंद्रमा निकलता है, रात को रिएक्शन होती है, रात को बढ़िया चमकता होगा, ऐसा नहीं है। रात को दिन में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि दिन में वो दिखाई नहीं देता। रात को क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंधेरा रहता है, इस वजह से वो रात को दिखाई देता है। ठीक है, सूरज की रोशनी हमारी साइड में नहीं रहती, पृथ्वी की जिस साइड में हम लोग रहते हैं, इसलिए वो रात को दिखाई देता है हमको। वो किससे चमकता है? वो सिर्फ चमकता किस लिए? क्योंकि वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चमकता है, बस ये उसका लॉजिक है। अब ये मून है तो अब उस पर अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो चमकना बंद कर देगा, हमको दिखाई नहीं देगा। तो वो उस टाइम वो कैसे हो सकता है? अगर मून घूमता 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 और अर्थ के दूसरी साइड में पहुंच जाए, जहाँ पे मतलब सूरज इस साइड में रहे, अर्थ यहाँ पे रहे, पहले मून यहाँ था तो सोलर इक्लिप्स हो गया था, यहाँ था तो सोलर इक्लिप्स हो गया था, अब इस साइड में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या, इसमें ये पूरी परछाई में आ गया, धरती ने क्या किया, इस पूरी ढक लिया, मतलब जो रेज आ रही थी सूरज की उसको ढक लिया, और ढकने की वजह से क्या हुआ, मून पे कोई रेज ही नहीं गई, मून की खुद की रेज तो होती नहीं है तो रात को मून दिखाई नहीं देगा। तो आपको पता रहना चाहिए इसका ऑर्डर कौन सी साइड में कौन सा होना चाहिए, जब सोलर इक्लिप्स होगा कब लूनार इक्लिप्स होगा, लूनार को लूनार मतलब मून। ठीक है, अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, कौन डिसाइड करेगा क्या प्लैनेट है क्या नहीं है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU डिसाइड करता है कि प्लेनेट है या नहीं है। बहुत सारे सौरमंडल में तो बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो क्या सारी घूमने वाली चीज़ प्लेनेट होती है? नहीं। तो कौन कौन से प्लेनेट होते हैं वो देखते हैं। तो इसने IAU ने क्या तीन क्राइटेरिया रख दिए कि ये तीनों अगर फुलफिल करेगा तो ये प्लेनेट होगा। फर्स्ट, वो सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए उसका। दूसरा, उसकी कुछ ग्रेविटी होनी चाहिए, वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपने अपने पास में कुछ एटमोसफेयर क्रिएट कर सके, अपने आप को गोल बना सके, है ना, राउंड बॉल की तरह क्रिएट कर सके। आप देखेंगे सारे के सारे प्लेनेट राउंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से राउंड बॉल की तरह
राउंड बॉल कब हो सकता है, जब उसकी ग्रेविटी, जो कोर में ग्रेविटी है वो इतना स्ट्रांग होगा कि सारे के सारे सारी की तरफ से एक इक्वल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से वो राउंड बॉल की तरह एक्ट करेगी। तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो क्लियर द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द वे ऑफ इन इट्स नेबरहुड। इसका मतलब क्या है कि अगर ये घूम रहा है सूरज के चारों तरफ तो इसके रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया तो ये प्लेनेट है, अगर रास्ता क्लियर नहीं किया इसने अपना तो ये प्लेनेट नहीं है। जैसे धरती के रास्ते में कोई और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसने अपना पूरा पूरा रास्ता क्लियर कर रखा उसने। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ और टकरा गया, अगली बार कुछ और टकरा गया, उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। दूसरी तरफ से कोई आ सकता है बट उसके रास्ता जो है उसमें कोई ना कोई भी नहीं आएगा। अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल होती हैं तो उसको प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से एक चीज़ फुलफिल नहीं हुई थी प्लूटो के साथ में तो उसको भगा दिया IAU ने, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, सन से दूर जाते जाइए, पहले मरकरी आ रहा है, फिर वीनस आ रहा है, फिर अर्थ आ रहा है, फिर मार्स आ रहा है, फिर जुपिटर आ रहा है, फिर सैटर्न आ रहा है, और फिर यूरेनस आ रहा है, फिर नेपच्यून आ रहा है, और ये प्लूटो था बेचारा बाहर की तरफ पर उसको भगा दिया गया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस सौरमंडल को एक बार देख लीजिए। सन क्या है, बिल्कुल सेंटर में। आप लोग बोलेंगे सर लेफ्ट में नहीं है, पूरा गोला नहीं बना रखा मैंने, इधर भी गोला बनेगा, ठीक है। तो पूरा सेंटर में है सन। सबसे पास कौन सा प्लेनेट है, मरकरी। सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है ना, प्लेनेट है नेपच्यून, ठीक है। पहले प्लूटो था, प्लूटो को हटा दिया, तो आपको पता रहना चाहिए किस तरह से ये ऑर्डर चलता है। ये चारों प्लेनेट जो स्टार्टिंग वाले ये छोटू प्लेनेट है, थोड़े छोटे प्लेनेट है। ये जो प्लेनेट आप साइज में देख रहे होंगे, इधर वाले प्लेनेट, ये सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि, ये थोड़े बड़े प्लेनेट है। तो ये इनको बड़े प्लेनेट को जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, छोटे प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए इन चारों को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, इसको जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, जो बाहर के प्लेनेट। ये UPSC में पूछ लिया गया एक बार, कौन कौन से जोवियन प्लेनेट है, कौन सा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए जोवियन प्लेनेट थोड़े बड़े प्लेनेट है, उनको आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ वाले प्लेनेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं या इनर प्लेनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चार चार बांट लिए इन्होंने, चार इधर की तरफ, चार इधर की तरफ है, और इनके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एस्टेरॉयड बेल्ट किस किस के बीच में आता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अभी आगे आएगा और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना। ये बता दिया मैंने जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं। अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, पहला मरकरी, ठीक है। तो मरकरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मरकरी, छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद ही हो गई कि सूरज के सबसे पास में सबसे छोटा है ना। इसका कोई मून नहीं है, मून मतलब इसका खुद का सेटेलाइट, इसके चारों तरफ घूमने वाला कोई भी नहीं है, तो इसका कोई मून नहीं है, वो सबसे छोटा प्लैनेट है, लिख दिया पहले ही, तो सबसे छोटा प्लैनेट है। तो आपको पता रहना चाहिए मरकरी के बारे में, इतनी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सबसे छोटा प्लैनेट सूरज के सबसे पास में, कोई इसका मून नहीं, सबसे पास में तो सबसे गर्म होना चाहिए, नहीं, ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, दूसरा इसके बाद वाला, ठीक है। इसके ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं, मतलब अर्थ का जुड़वा भाई, तो ये अर्थ ट्विन भी है बोलते हैं। और वीनस इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, आपने देखा होगा गांव में जरूर बताते हैं। शुक्र एक तारा होता है जो आ जाता है सुबह सुबह, आप देखेंगे 5 बजे आपको दिखाई देगा, आई थिंक कौन सी डायरेक्शन में दिखता है वो मुझे पता नहीं, बट वीनस वो इवनिंग और मॉर्निंग में दिखाई देता है, अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा। इसके साथ में क्या है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, मतलब धरती अपने अक्ष पे घूमती है ना, तो कौन से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पर ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ध्यान रखना। और ये स्लोएस्ट है, सबसे आलसी है, सबसे स्लो घूमता है। तो वीनस के बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। सुबह शाम आता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोलते हैं, सबसे हॉट है, सबसे स्लो है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है और अर्थ का जुड़वा है, ट्विन, ठीक है। अर्थ के बारे में आप सब जानते हैं, इसका कितने मून है, एक ही है, इसके चारों तरफ एक ही घूमने वाला है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे लाइफ है, बिल्कुल। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी है, इसलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। डेंसेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी प्लैनेट पे है, ठीक है, ओके। तो इस अर्थ के बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ भी लिया थोड़ा।
इसके एटमॉस्फेयर के बारे में, मार्स अगला पढ़ते हैं। लाल होता है मार्स, आप लोगों को पता होगा, तो इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इसके दो मून हैं, फोब्स और डीमोस, ठीक है, डोमिनोज नहीं है, डीमोस, तो याद रखिएगा नाम। तो ये चौथा प्लैनेट है, और ये आप देखेंगे तो ये ऑर्डर में, मतलब अर्थ के दूसरी साइड में, याद रखिएगा, वीनस और मरकरी सन की साइड में और ये दूसरी साइड में, ठीक है। लाल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन मिनरल होते हैं यहाँ की सोइल में, इतना याद रखिए। जुपिटर सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है मोस्टली, और सबसे फास्ट अपने एक्सेस पे घूमता है, अपने एक्सेस पे सबसे फास्ट घूमता है, मतलब अपनी जगह पे गोल गोल घूमता है ना, जैसे धरती 24 घंटे में एक बार अपने अपने एक्सेस पे घूमती है, ये सबसे फास्ट घूमता है। ये कितने घंटे में घूम लेता है, 10 घंटे, ठीक है। इसके कितने मून है, आप देखो कितने मून है इसके, 79 मून है। आपको लगेगा कि इसके सबसे ज़्यादा नहीं, सैटर्न के सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मून भी इसके पास में, ठीक है, गैनमेड इसका नाम है। तो ये सबसे बड़ा मून जुपिटर का ही है। तो आप लोग याद रखिएगा थोड़ा कि जुपिटर क्या सबसे बड़ा प्लेनेट है, हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है, सबसे ज़्यादा तेज गति से अपनी एक्सेस पे घूमता है। सबसे स्लोएस्ट कौन सा था, वीनस, सबसे फास्ट कौन सा है, जुपिटर, और सबसे बड़ा प्लेनेट मून किसके पास में, जुपिटर के पास में, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मून आपको क्लियर हो गया ना, मून मतलब सूरज के चारों तरफ कौन घूमते हैं, प्लेनेट जो ये सारे हैं ये घूमते हैं, और इनके चारों तरफ जो घूमते हैं उनको मून बोलते हैं, या सैटेलाइट, इनका नेचुरल सैटेलाइट कौन से ये बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है छठवा, सैटर्न, ये सेकंड सबसे बड़ा है, सनी नाम भी होता है, बहुत कॉमन नाम है सनी। तो सनी, इसके चारों तरफ एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिंग है, गैस की रिंग बनी होती है, तो ये रिंग है, ठीक है, डस्ट और आइस पार्टिकल्स की बनी होती है मेनली ये, ठीक है। इस पर 82 मून्स हैं इसके, सबसे ज़्यादा मून किसके, सैटर्न के। पहले सबसे ज़्यादा मून किसके थे, जुपिटर के, पर पिछले साल ही क्या हुआ, इसके 62 ही थे सैटर्न के, इस बार क्या हुआ, 20 और नए मून मिल गए इसके, तो क्या हो गया इस बार, अभी जो सबसे ज़्यादा किसके मून्स पता है अपने को, सैटर्न के। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो फिर कल को जुपिटर के भी मिल जाएंगे, तब देखेंगे, अभी सबसे ज़्यादा किसके मून्स हैं, सैटर्न के। और इसका एक टाइटन, इसका मून सबसे ज़्यादा फेमस है, सेकंड लार्जेस्ट मून है, ठीक है, गैनमेड के बाद में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यूरेनस, ठीक है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसका थोड़ा ब्लूइश और ग्रीनिश टाइप का इसका कलर होता है, आपको तो दिखेगा नहीं, इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में नेपच्यून है, और ये स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट मामला, स्लोएस्ट का मतलब सूरज के चारों तरफ ये बहुत सारे साल लगाता है इसको चक्कर काटने में, तो इसलिए वहाँ पे ये स्लोएस्ट है, अपनी एक्सेस पे घूम जाता है बट सूरज के चारों तरफ काफ़ी टाइम लगाता है, इसलिए ये स्लोएस्ट है। सबसे कोल्ड है, सबसे कोल्ड क्यों है, क्योंकि सूरज से सबसे दूर है, तो सूरज की रोशनी, देखो पावर हाउस तो सिर्फ सूरज है, वहीं पर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके अलावा कहीं पर रिएक्शन होती नहीं, तो ये रेज ही जाएंगे, जो सबसे पास होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेंगे। पर सबसे पास कौन सा, मरकरी, पर सबसे गर्म कौन सा, वीनस, सेकंड वाला, पर सबसे लास्ट होगा उसके पास तो सबसे कम पहुँचेगी, तो इसलिए सबसे कोल्डेस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन का बना है, गैसेस के बने होते हैं मोस्टली। इसके 14 सेटेलाइट हैं या 14 मून्स हैं, और इससे यूरेनस के 27 मून थे, ठीक है। तो मतलब आप देखेंगे कि मून किस किस का नहीं है, मरकरी का मून नहीं है, और एक वीनस का मून नहीं है, और सबके मून, ठीक है, याद रखिएगा। अब आती है कि एक हम लोग बात करते थे प्लूटो, कि उस प्लूटो को क्यों हटा दिया, बहुत सी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में अभी प्लूटो को ग्रह माना जाता है, पर 2000 आई थिंक 6 वगैरह में है ना प्लूटो को हटा दिया। उस सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा था, हाँ काट रहा था, ठीक है, तीन कंडीशन है सन के चारों तरफ चक्कर काटना चाहिए। क्या वो गोल हो गया था अपनी ग्रेविटी की वजह से, हाँ हो गया था। क्या उसने अपने रास्ते में आने वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उसके क्लियर कर दिए थे, नहीं, बहुत सारे उसके रास्ते में ऑब्जेक्ट्स सारे थे, इसलिए उसने क्लियर नहीं किए थे, इसलिए उसको प्लेनेट की दृष्टि से, प्लेनेट की लिस्ट से उसको हटा दिया गया। पहले क्यों बोला गया था, पहले बोल दिया गया होगा, अभी करेक्टिफाई कर लिया, हटा दिया गया, इसलिए इसका अब इनको क्या बोलें भाई, ऐसे वाले को जिसके पास में दो कंडीशन पूरी हो जाती है पर तीसरी नहीं हो जाती, मतलब वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए अभी वो ग्रो हो रहे हैं
धीरे धीरे हो सकता है कि वो अपने जो घूमते रहे और अपने जो रास्ते में सारे के सारे ठिकाने लगा दें, जो रास्ते में जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आए, जब वो हो जाएंगे तब प्लेनेट के उसमें आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, पर अभी नहीं है। तो अभी अभी ग्रो हो रहे हैं, मतलब अभी छोटे हैं, बोने हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ यानी बोना, बोना ग्रह बोलते हैं। कौन कौन से और हैं, सीरस है, इरिस है, क्यूमिया है और मेकमेक है। नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, पर ये तो पूछ ही सकते हैं। सीरस वगैरह बहुत फेमस ड्वार्फ प्लेनेट है। मून के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मून किसके चारों तरफ, धरती किसके चारों तरफ चक्कर काटती है, सूरज के, ठीक है। धरती के चारों तरफ चक्कर कौन काटता है, मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। ऐसे सबके बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा किसके हैं, सैटर्न के। ओके, धरती के चारों तरफ कितने देर में चक्कर काटता है, लगभग 27 दिनों में चक्कर काटता है, 27 डेज, 27 डेज, 7 आवर्स, 43 मिनट्स और कुछ सेकेंड्स है, आप देख लीजिएगा। ये लगभग उतना ही देर है जितना लगभग धरती मतलब अपनी एक्सेस पे घूम जाएगी उसमें। तो इसलिए मतलब हमको मून का एक ही फेस दिखाई देता है। मून की स्टडी जो करती है उस स्टडी को क्या बोलते हैं, सिलेनोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, सिलेनोलॉजी, ठीक है। और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो भी काफ़ी कम होता है, अर्थ से तो 1/60 होता है। तो मतलब आप देखेंगे कि वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कूदेंगे तो बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, क्योंकि इतना ग्रेविटी नहीं है उसको खींचने के लिए। तो आप देखेंगे, कुछ वीडियोस भी देखेंगे, तो वहाँ पे क्या कूदते हैं, तो थोड़ा सा कूदेंगे आप, यहाँ पे अगर 2 फीट ऊपर कूद सकते हो तो वहाँ पे लगभग इसका 6 टाइम से ज़्यादा कूद सकते हो, मतलब 12 फीट ऊपर तक कूद जाओगे फटाक दे से। तो ये इसका ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पे काफ़ी कम होता है। ओके, और अभी बात आई थी एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं भाई। एस्टेरॉइड्स मैंने पहले भी बताया, ये सारे एस्टेरॉइड बेल्ट हैं, बहुत सारे ऐसे और एंटिटीज हैं जो घूम रही हैं सोलर सिस्टम में, पर वो प्लेनेट नहीं है। कुछ तो उनको बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट, कुछ को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स कहाँ पे, मार्स और जुपिटर के बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ, किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी इनडायरेक्टली किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। इनको माइनर प्लेनेट भी बोलते हैं, ये भी रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है, कोई गैस के नहीं बने होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। अभी बहुत हल्ला हो गया था कि 28 अप्रैल को कुछ समथिंग धरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक एस्ट्रॉयड अपनी तरफ आया जा रहा था, है ना। उसका नाम था 1998 OR2, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पर वो अपनी तरफ आ रहा था, पता है कितनी पास से निकला था, वो लगभग 6 लाख किलोमीटर दूर से निकला हो, तो इतनी पास में नहीं था। पर दिखाए जा रहे हैं कि धरती खत्म होने वाली, खत्म होने वाली, क्योंकि एक एस्ट्रॉयड आ रहा है, उस 1998 OR2 वो खत्म कर देगा, टकरा जाएगा। नहीं, वो अपना घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, ये कोई जरूरी नहीं, ये गोल गोल कोई जरूरी नहीं घूमते हैं, इनका कुछ इलेप्टिकल या इस तरह की शेप होती है। तो इस बार वो सबसे पास आ गया था, 10-20, हर 10-1 साल में कुछ आता है वो घूमता घूमता अर्थ के पास में। तो ऐसा कोई डरने की उसमें कोई जरूरत नहीं थी, पर सारे हिंदी न्यूज़ चैनल्स और इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ऐसे बोल रहे थे जैसे धरती कोरोना से पहले इससे खत्म हो जाएगी, लगभग वो 6 लाख किलोमीटर दूर से निकला था, ठीक है। आपको एग्जाम की दृष्टि से ये पर याद रखना चाहिए। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, रात को आप लोग देखते होंगे कि अरे वो तारा टूटा, तारे कभी टूटते नहीं है, इतने छोटे नहीं होते तारे। तो क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं। आप अभी तक उल्लू बन गए होंगे, आप विश करते होंगे हाथ वाथ जोड़ के कि तारा टूटा, विश करेंगे अभी पूरी हो जाएगी, पर वो एक्चुअल में तारा नहीं था, वो मीटियोरॉइड्स थे। तो मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ जैसे एस्ट्रॉइड से कुछ टुकड़ा टूट गया, तो टुकड़ा टूट के अब वो तो इतना छोटा टुकड़ा, वो एस्ट्रॉयड तो सन के चारों तरफ घूम रहा था, पर वो जरूरी नहीं है कि वो घूमे। तो वो क्या करता है कि किधर भी, इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है। तो जो धरती की तरफ आते हैं वो मतलब उनको मीटियोर्स बोलते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि वो आते हैं और वो कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, अभी बताया था मैंने पहले वाली स्लाइड में, कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, मीजोस्फीयर में। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है। अगर एस्ट्रोइड आ जाता तो वो खत्म नहीं हो पाता, पर ये छोटे होते हैं मीटियोर्स तो ये खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 12वां में आज भी रात को आप देखोगे छत पे जाके, तो आपको दिख जाएंगे कुछ मीटियोर्स टूटते हुए। अगर वो अर्थ की सरफेस तक भी पहुंच गया, कुछ कुछ हो जाते हैं बहुत टूटते टूटते भी, मीजोस्फीयर में इतने नहीं टूटे फिर भी छोटा छोटा पार्टिकल सरफेस पे गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं मीटियोर्स, ठीक है। वो गिरते रहते हैं छोटे छोटे, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते पर गिरते रहते हैं, या कुछ उनका मतलब ये बोल सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इधर उधर गिर जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता,
तो वो मीटियोर्स होते हैं। एक होता है कॉमेट्स, ये भी आपको रात को दिखाई देगा, ऐसे पूंछ वाला, आपने देखा होगा ये पूंछ वाला, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ये पूंछ वाले होते हैं कॉमेट्स, हेलीकॉमेट्स आता रहता है हर 6-7 साल में ऐसा आता है। ये भी एक नई चीज़ है, मतलब मैं छोटा था तब तो दिखता था, अभी तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा। तो ये सबसे छोटे होते हैं, तो मतलब आप अगर वैसे देखो तो कॉमेट्स सबसे छोटे होंगे, फिर मीटियोर्स होंगे, फिर एस्टेरॉइड्स उससे बड़े होंगे, उससे बड़े प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये किससे बने होते हैं? ये फ्रोजन गैसेस, रॉक्स और डस्ट के बने होते हैं। मतलब रॉक्स भी होता है, उसमें गैस भी होंगी, जो जमी हुई गैसेज होंगी, और डस्ट होती है, ये इनका बना होता है। तो इनकी पूंछ कैसे बन जाती है? तो पूंछ कैसे बन जाती है कि ये जब आते हैं, तो जब सन की तरफ ये ट्रैवल करते हैं, तो सन से क्या निकलती है? बहुत सारी रेडिएशंस या सोलर विंड्स जो बोलते हैं वो निकलती है। तो जब वो सन की तरफ से निकलती है, तो वो उसको जब टकराएंगे, मान लो यहाँ पे सन है, और जब ये सन से टकराएंगी इधर की तरफ से, तो ये इसको पुश करेंगी इधर की तरफ गैसेस को। तो जो गैसेस हैं, जो फ्रोजन गैसेस हैं, वो एक तरह से इवोपरेट होकर गैसियस फॉर्म में पीछे की तरफ निकलने लग जाएंगे। तो इसलिए इसे पूंछ बनती है, इसकी टैल बनती है, और रॉक्स क्या बनाते हैं? उसके हेड बनाते हैं। तो गैस और डस्ट होती हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में, सन की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे सन की तरफ जा रहे हैं, तो सन की अपोजिट डायरेक्शन में वो सारी की सारी गैसेज उड़ने लग जाती हैं, वो पूंछ का काम करती हैं, ठीक है। तो हमेशा इसकी टैल, कॉमेट की टैल हमेशा किधर की तरफ होगी? सन से अपोजिट डायरेक्शन। हेलीज कॉमेट, एक कॉमेट आया जो हर 6-7 साल में आता है, काफ़ी फेमस कॉमेट, ठीक है। ये दो टॉपिक होंगे आज के, आशा है कि आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे। अब टाइम तो हो गया, 50 मिनट हो गए लगभग, तो हम लोग अब क्विज करेंगे। तो आप लोग इसमें प्लीज़ मार्क मत कीजिए, आप लोगों को सबको अपना अपना चैट्स के द्वारा आप लोग अपना अपना आंसर दे सकते हैं। मैं देखता रहूँगा, साइड में चैट खोल लिया हूँ, आप लोगों के क्या आंसर है। ठीक है, आप लोग जब मैं बोलूँगा तभी आंसर देंगे, और उसके बाद में आप थोड़ा सा रुकेंगे जब तक दूसरे का नहीं बोला जाएगा। तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, आप लोग ठीक है, कोई प्राइवेटली मैसेज कर रहा है तो गुड, अदरवाइज आप लोग एवरीवन करके ही मैसेज कीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा। आप बताइए, पहला क्वेश्चन, विच ड्रग इज द प्रोमिसिंग ड्रग टू ट्रीटमेंट ऑफ द COVID-19? COVID-19 के लिए अभी कौन सी ड्रग है जो अभी काफ़ी प्रचलन में है कि ये ड्रग शायद बचा पाएगी पूरे वर्ल्ड को, बताइए। नेक्सियम, पैरासीटामोल, रेमडेसिविर, एमोक्सिसिलिन। ओके, सी आंसर आया, बताइए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, कल की क्लास में ये बताया गया। आप लोगों सी, हाँ आप लोगों को बोलना नहीं है, चैट में टाइप करना है। ओके, आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, चैट में आपको आंसर देना, ठीक है। सी आंसर है रेमडेसिविर, कल ही बताया गया, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। ग्लेविड नाम की कंपनी है जो बना रही है, ठीक है। और तो ऐसे पैरासीटामोल तो आपको पता ही है कि बुखार उखार के लिए दी जाती है। एमोक्सिसिलिन क्या, किस लिए दी जाती है? ये बैक्टीरियल कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उनके लिए दी जाती है। नेक्सियम किस लिए दी जाती है? नेक्सियम क्यों दी जाती है? जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है तब दी जाती है। रेमडेसिविर इसका सही आंसर। सेकेंड, प्री मानसून रेंज कौन सी है इनमें से? सेकेंड का आंसर बताइए, प्री मानसूनल रेंज कौन कौन सी? काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्न मैंगो सावर, या ऑल ऑफ द अबव? एक ने मैंगो शावर बताया, कुछ ने डी बताया, ऑल ऑफ द अबव। मैंगो शावर वाले पढ़े नहीं कल का, है ना। ओके, इंद्रपाल ने डी बताया, गौरी ने डी बताया। ओके, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आप अगर कल का PDF देखेंगे, आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। सिर्फ यहाँ बोलने से ही नहीं होगा, आपको याद नहीं रहेगा ज़्यादातर चीज़ें, तो आपको पढ़ना है। अपने नोट्स बना सकते हो तो अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आप लोगों को हमेशा के लिए ये सारी चीज़ें याद नहीं रहने वाली। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कल ही बताया प्री मानसूनल रेंज के सारे टाइप्स हैं। काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं? लगभग बंगाल में या उड़ीसा में बोलते हैं। नॉर्वेस्टर कहाँ पे बोलते हैं? वो भी उसी एरिया में उसको बोलते हैं। मैंगो शावर किसको बोलते हैं? ये केरला में बोलते हैं, जो कि मैंगो के लिए अच्छी होती है, चेरीज के लिए भी अच्छी होती है, टी के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ पर है? ओके, मोनिका मैडम ने न्यूयॉर्क बताया, अमिता ने ए बताया, जोनल डायरेक्ट मोदा ने ए बताया, गुड। और बताइए, जिनेवा बताया, विक्की ने बी बताया, न्यूयॉर्क,
जिनेवा बताया, ओके गुड आंसर है इसका जिनेवा। कल ही बताया था भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड यूरोप में है, वहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर है। तो आप लोग याद रखिए, WHO वो है जो पूरे वर्ल्ड की अभी इस टाइम पे हेल्थ क्राइसिस जो हो रहा है उसको वही नियंत्रित कर रही है। WHO किसकी बॉडी है? यूनाइटेड नेशंस की। तो आप लोग याद रखिए प्लीज़, आप लोग रिवीजन थोड़ा करके आइए, ज़्यादा नोट्स हैं नहीं, थोड़े थोड़े नोट्स हैं, आधे घंटे में हो जाएंगे। अब ये वाला बताइए, चौथा क्वेश्चन, मैक्सिमम रेन कौन से स्टेट में मैक्सिमम रेन दिसंबर में होती है, मतलब सर्दियों में? स्क्रीन किसी को शो नहीं हो रहा, प्लीज़ आप वापस से एक बार लॉग आउट करके वापस से आ जाइए अपनी मीटिंग को एंड करके। आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन। केरला बताया एक ने, मणिपुर बताया। सर्दियों में ज़्यादातर बारिश होती है, केरला में तो मॉनसून स्टार्ट होता है यार। तमिलनाडु बताया आकिफ ने, ओके। कल भी मैंने बताया था कि जब बारिश स्टार्ट होती है तो सबसे पहले 5 अप्रैल को, 5 जून को कहाँ पे हिट करेगी? केरला में। तो 5 जून कब आता है? ये तो गर्मियों में आता है ना, तो केरला तो हो ही नहीं सकता, गर्मियों में बारिश होती है केरला में बहुत सारी। तो पूरे भारत में लगभग सारी बारिश गर्मियों से लेके उस सितंबर तक ख़त्म हो जाती है, बट एक स्टेट है जहाँ पे वापस से, जब वो हमारा मानसून वापस से रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं, वापस से विंड्स जाती हैं, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठाता है और बारिश करता है। एक स्टेट है वहाँ पे 100 mm, 100 सेंटीमीटर बारिश होती है सर्दियों में, वो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिए, कल भी बताया था मैं तमिलनाडु में बारिश होती है, अगर आप लोग देखेंगे वो मैप तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ओके, कौन से स्टेट में विधान परिषद नहीं है? पांचवा क्वेश्चन बताइए। एक आंसर आया, ओके बी आया, बी आया, ओके गुड गुड। जुम्बकटी याद होगा सब लोगों को, कल भी बताया था, तो जुम्बकटी में आर कहाँ से आ गया? राजस्थान में नहीं है, गुड, सब लोगों ने आंसर दिया। जुम्बकटी याद रखिएगा आप, जुम्बकटी में से जे हट गया, उम्बकटी बन गया हुआ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से नहीं जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है? कर्क रेखा, कर्क रेखा होती है अपने देश के बीच में से निकलती है, पर वो एक स्टेट से नहीं जाती है इनमें से, तो कौन से स्टेट से नहीं जाती है आप बताइए। डी आंसर आया महाराष्ट्र, राजस्थान आंसर आया, 8 स्टेट से जाती है, मैं पहले बता दूं, महाराष्ट्र आंसर आ रहा है, महाराष्ट्र आंसर आ रहा है। ओके, आप लोग प्लीज़ थोड़ा फटाफट आंसर दीजिएगा, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है बट आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, मैं बता देता हूँ, 8 स्टेट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर गुजरात में जाता है, फिर राजस्थान से क्रॉस होती है, फिर मध्य प्रदेश से क्रॉस होती है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ से क्रॉस होती है, फिर झारखंड में जाती है, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, महाराष्ट्र से नहीं जाती है। आप लोगों को ये 8 के 8, इसके सॉल्यूशंस आप नीचे देखेंगे तो 8 के 8 स्टेट्स के नाम आपको उसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। ओके, एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये फंड करती है, जैसे अभी COVID-19 आया तो इंडिया को फंड्स की ज़रूरत है, तो ये फंड्स करती है दूसरी कंट्रीज को, यूनाइटेड स्टेट्स की मतलब अमेरिका की एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मतलब स्वतंत्र रूप से किसी को भी ये हेल्प कर सकती है किसी भी कंट्री को। तो ये कब स्टेब्लिश होती है? ऐसे ही ये थोड़ा सा आप लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा तुक्का उक्का मार दीजिए, किसको पता है तो। ओके सी बता रहे 1967, ओके बी बता दिया बलवंत ने, ओके आंसर इज बी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, आंसर इज बी 1961। इसने हमको पहले बहुत सारी हेल्प की है, जब हमारी हरित क्रांति नहीं आई थी उससे पहले भी हमको फंड्स वगैरह दिए थे, और हमको राइस वगैरह देते थे, ये लोग सड़ा हुआ राइस देते थे, इसलिए हम लोगों को US के साथ में हमारे कुछ मतभेद भी उस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे, 1960 के आसपास ये सब हुआ था, तो 1961 में स्टार्ट हुआ। ओके, नासा ने अभी मून टू मार्स कैंपेन स्टार्ट किया, वो किन किन के साथ में पार्टनरशिप की है? नासा जानते हैं, स्पेस एजेंसी है US की,
अमेरिका की। ओके, मैं ये मून टू मार्स मिशन को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मून टू मार्स मिशन क्या है, नासा क्या करना चाहती है, या अपने क्या एक ह्यूमन बीइंग को, एक आदमी को या एक पर्सन को वो भेजना चाहती है मार्स पे। अब मार्स पे डायरेक्ट भेज देगी तो बहुत खतरा है, तो क्या करें भाई, अभी मार्स पे नहीं, मार्स पे भेजेंगे डायरेक्टली, कोई मर वर गया बीच में तो क्या दिक्कत आएगी, तो पहले मून पे भेज देते हैं। मून पे तो पहले ही भेज चुके हैं, नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जा चुके हैं, तो अब क्यों वो तो पहले भेज चुके, पूरी प्रैक्टिस हो चुकी, तो क्या करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अभी 8वां क्वेश्चन है, आप 9वें क्वेश्चन पे मत जाइए प्लीज़ ना। तो मून टू मार्स, तो अभी क्या करें, पहले मून पे वो एक आदमी को भेजेंगे या जितने भी वो लोग भेजना चाहते हैं, देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसा ह्यूमन रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, कैसा रहता है, और उसके बाद में वो लोग प्रिपेयर करेंगे मार्स पे लोगों को भेजने की। तो मून टू मार्स इस कैंपेन है, तो पहले भेज चुके थे पर वो लगभग नासा ने लगभग 40-50 साल से कोई भी आदमी को वापस से नहीं भेजा, तो इसलिए वो भेजना चाहते हैं एक बार वापस से मून पे भेजेंगे, फिर मार्स पे भेजेंगे आदमियों को। तो इसके लिए उसने कुछ कंपनी से पार्टनरशिप किया। अच्छा, मून पे जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा यूरी गागरिन, तो वो दोनों एक साथ ही गए थे वैसे तो, ठीक है। ओ तो ये स्पेस एक्स के साथ में भी किए, स्पेस एक्स बहुत बड़ा नाम है आप देखेंगे तो, ब्लू ओरिजन, डायनेमेटिक्स, सबके साथ किए, तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर होगा। आप लोग इन इन टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च भी कीजिएगा, नहीं तो कुछ सॉल्यूशन में मिलेगा, कुछ आप लोग भी सर्च कीजिए। अभी कौन सी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है, कौन टॉप कर रही है इस टाइम पे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। इंडिया लिख रहे हैं कुछ लोग, ऑस्ट्रेलिया लिख रहे हैं, वेस्ट इंडीज मत लिख दीजिए कोई। हाँ, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड ज़्यादा टेस्ट में, तो आपको भी पता है कि ज़्यादा खेलने में विश्वास नहीं रखते, तो वो सब नीचे रहते हैं नॉर्मल। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आंसर होगा, पहले इंडिया था, अभी जस्ट अभी अभी शायद 1-2 दिन में शायद कुछ चेंज हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया पहली रैंक पे आ गई। आप लोग बोलोगे सर ये तो कोरोना तो चल रहा है, कहाँ से मैच खेल रहे हैं कि इंडिया को पीछे कर दिया, तो उन्होंने क्या किया है, आईसीसी हर बार क्या करती है, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड लेती है रैंकिंग बनाने के लिए, तो ऐसे लगभग 3 साल का रिकॉर्ड लेती है। तो जैसे 2019 तक की रैंकिंग के लिए 4 साल का लेती है कुछ, तो 16, 17, 18, 19 था, अभी 20 आ गया, तो उन्होंने 16 वाला रिकॉर्ड हटा दिया, तो 18, 19, 20 कुछ ऐसा हो गया। तो उस साल का रिकॉर्ड हटने की वजह से कुछ कैलकुलेशन ऐसी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया पहली रैंक पे हो गई, ठीक है। एक नई किसान सभा एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। ये क्या कर रही है कि फार्मर्स को कनेक्ट करेगी डायरेक्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो सामान वामान ले जाए, क्योंकि गांव में आप लोग काफ़ी लोग रहते हैं, तो आपके फार्म आपको आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, तो आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं कि मेरे पास में ये गेहूँ है, ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर सकते हैं, उस सप्लाई वाले से, मंडी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके गेहूँ का कितना प्राइस है, क्या है, आप घर बैठे सब चीज़ें कर सकते हैं। तो किसान सभा ऐप किसने डेवलप किया, महाराष्ट्र CSIR ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, DRDO ने, माई लैब प्राइवेट लिमिटेड में। देखो DRDO ऐसे वैसे काम करता नहीं है, वो डिफेंस ऑफेंस से रिलेटेड काम करता है, ये प्राइवेट है ये क्यों करेगा, इतना सब किसानों से रिलेटेड इतना कुछ काम नहीं कर सकते। तो ए और बी में से आंसर होगा। ये रिसर्च करती है, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका नाम है। तो ये रिसर्च टाइप का काम करती है, तो इसी ने डेवलप किया, ठीक है। आंसर इज CSIR। बी बी लाल जी की अभी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी 2 मई को, तो बी बी लाल हैं कौन, आप न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ता है तो आपको थोड़ा पता चलेगा, काफ़ी न्यूज़ में आया था ये। ASI के चेयरमैन थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, साइंटिस्ट हैं क्या या आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं ना पुरातत्व तो विभाग, इससे रिलेटेड है क्या, या पॉलिटिशियन है या सिंगर है। सिंगर होता तो पता ही चल जाता, 100 साल पुराना कौन सा सिंगर होता है, 100 साल पुराना कौन सा पॉलिटिशियन हो सकता है। तो ये दोनों तो आंसर होंगे इन सीडी। आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करना आना चाहिए ना, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, कोई सिंगर उंगर मत लगा देना, 100 साल पहले कौन से सिंगर थे जो सो भी उसके करेंगे, इतने मतलब इस तरह के नहीं थे, बीबी लाल टाइप के नहीं थे, कुछ थे बट तानसेन टाइप के लोग या उस तरह के, या पॉलिटिशियन तो उस टाइम पे कौन से पॉलिटिशियन ऐसे बीबी लाल टाइप का कोई था नहीं। तो आपका साइंटिस्ट या आर्कोलॉजिस्ट में से होना चाहिए, आंसर इज आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है।
पुरातत्व विभाग ASI के चेयरमैन थे, तो मैं पहले बता दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिस्ट होंगे। अच्छा, बीबी लाल के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने, विच मिनिस्ट्री रिलीज इंडिया रीडिस्कॉर्ड रिलीज किया? ओके, आंसर शिपिंग वाले तो कभी क्यों करेंगे भाई, रोड ट्रांसपोर्ट वाले क्यों करेंगे, टूरिज्म और कल्चर में थोड़ा डाउट है, कल्चर ही हो सकता है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब एक नई स्कीम आई है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म। एक तरह से पहले क्या होता था, यूपी अपना राशन कार्ड बनाता था, महाराष्ट्र अपना राशन कार्ड बनाता था। यूपी में राशन कार्ड किसी बेचारे का बन गया, पर कल को मजबूरी में क्या हुआ, महाराष्ट्र में चला गया वहाँ काम करने के लिए, अब वहाँ पर उसका राशन कार्ड काम नहीं करेगा। वो बोलेंगे तो यूपी का राशन कार्ड है, आप महाराष्ट्र का राशन कार्ड लाओ, महाराष्ट्र का राशन कार्ड उसका बनेगा नहीं क्योंकि उसके पास तो यूपी का राशन कार्ड है, उसके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई कि भैया पूरे देश का एक ही राशन कार्ड होगा, एक जैसा राशन कार्ड होगा एक। तो अगर यूपी का मजदूर अगर वहाँ पर जाके राशन लेना चाहता है, वहाँ पर रहता है अगर महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर से भी राशन ले सकता है। महाराष्ट्र का कोई मजदूर अगर यूपी में जाके काम करना चाहे, वहाँ पर कुछ करना चाहता है, या कोई आदमी भी जिसकी इनकम कम हो, तो वो जाके राशन वहाँ से ले सकता है। एक वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो इसमें से ये आपको पता रहना चाहिए स्कीम के बारे में, थोड़ा और आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो कौन सा स्टेट इसके अंदर नहीं है, आंसर फटाफट दीजिए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, एक घंटे क्लास हो गई लगभग। ओके, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, मणिपुर है, कौन सा अजीब सा स्टेट लग रहा है, थोड़ा अलग सा, आंसर मणिपुर होगा। ठीक है, चलो ओके, इसका आंसर किसी ने नहीं दिया। आप लोग कुछ टाइप कीजिए, है ना, सब लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ टाइप करेंगे आप, उससे मेरे को पता रहेगा कि मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही, पता चला आवाज़ ही नहीं जा रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, 1 मई 2020 को यही वन नेशन वन राशन कार्ड में कितने स्टेट हो गए टोटल मिलाकर? आप लोगों को पिछला क्वेश्चन का नहीं पता होगा तो इसका भी नहीं पता होगा, लगभग 17 स्टेट हो गए, 12 भी नए जुड़े हैं। ठीक है, पहले से 5 थे, 12 भी जुड़े, मतलब 17 हो गए, और मणिपुर उसका नहीं है। ये 17 की 17 की लिस्ट आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, सॉल्यूशंस में भी हो सकता मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग कौन है अभी? ओके, नितिन गडकरी आ रहा है, मनसुख एल मंडेविया आ रहा है, फटाफट दीजिए भाई आंसर। आप लोग देखिए, हरदीप पुरी तो होगा नहीं, वो तो फ्लाइट का एविएशन मिनिस्टर है, फ्लाइट वगैरह चलाता है। कुणाल कामरा को जब बैन किया गया था, सबसे पहले ट्वीट उसने किया था हरदीप सिंह पुरी ने। नितिन गडकरी तो आपके आसपास का ही आदमी है यार, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, वो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर है। ठीक है, तो कौन बचे, मनसुख, दो मनसुख भाई बच गए। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को इतना नहीं आ पाए, तो ये आंसर हो गया इसका, MLM। ठीक है, ई नाम एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई नाम इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भी इस तरह का है कि भैया एक प्लेटफॉर्म होगा, आप रजिस्टर कर दो उसमें, और जैसे मंडी मंडी है, सारी मंडियां रजिस्टर हो जाएगी, तो मंडी वाले आप चाहते हैं कि आप अपना अपना सामान कहाँ बेचें, तो उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा अच्छा मुनाफा मिले वहाँ पे आप रजिस्टर वो कर सकते हैं। मंडी भी अपने ग्राहक ढूंढ सकती है, जैसे मैं हूँ, वो ई नाम के थ्रू मैं जान सकता हूँ कि मेरे आसपास में सबसे सस्ता गेहूँ कहाँ मिल रहा है, मेरे को 50 बोरी गेहूँ चाहिए, अब यहाँ पे बहुत सारी मंडियाँ, तो मैं कहाँ से गेहूँ खरीदूँ, तो उसके लिए क्या है, ई नाम एक प्लेटफॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिकली सारी एक तरह से एप्लीकेशन टाइप की ये प्लेटफॉर्म है, आपको वैसे इंटरनेट पर मिल जाएगा ई नाम, तो वहाँ पर आप पता लगा सकते हैं क्या भाव हुआ है, कहाँ पे कितना स्टोरेज में है, तो ये ई नाम है। तो ये सारी मंडियों को जोड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो अभी अभी उनमें से एक स्टेट है जो अभी अभी ऐड हुआ है, नया स्टेट, ठीक है, कर्नाटका है इसका आंसर। ठीक है, इसका देख लीजिएगा एक बार 16 का आंसर, ठीक है, बाद में देख लेते हैं थोड़ा। ओके, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट कौन है, इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबके आंसर आने चाहिए। डी आंसर दिया, कुछ नहीं, ओके, डी आंसर,
सुरुचि ने डी दिया, बलवंत डी, आकिफ डी, मंगेश डी, विक्की डी, वेरी गुड। सबको पता है प्रकाश जावड़ेकर है, सबको पता होना चाहिए नितिन गडकरी का, आपको पता है रविशंकर प्रसाद अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो अभी रामायण उसने चलाई थी, एक फ़ोटो डाली थी बहुत वायरल हो गई कि देश में बहुत कुछ चल रहा है वो रामायण देख रहा है। रमेश पोखरीवाल HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, तो प्रकाश जावड़ेकर है जो अभी एनवायरमेंट का मिनिस्टर है। अगला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कब मनाई जाती है? 18वां क्वेश्चन, तीन में बताया किसी ने, चार में बता रहे हैं कोई, ओके बताइए, 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? अभी अभी हुआ है, आप लोग मतलब न्यूज़पेपर इतना पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, आप लोग कम से कम ये क्लास को फॉलो कीजिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च करके पढ़िए, इतनी जीके भी आप कर लोगे तो कोई एग्ज़ाम में आपकी जीके कहीं से नहीं छूटने वाली, ये गारंटी है। बट आप लोग कंटिन्यूसली ये इस चीज़ पर मेहनत कीजिए, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें आती हैं। 2 मई को ये मनाया गया था, ठीक है, आज तो है नहीं, आज ही 3 मई है ना, आपने नाम सुना आज कोई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम टाइप का कुछ हुआ है? इसकी थीम क्या थी, आपको थीम नहीं पढ़ा पता होगा, मैं बता देता हूँ, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, मतलब कोई डर और भय के बिना पत्रकारिता, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो। अब ये बताइए सब लोग, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? 2014, 15, 16, 17, जो 2014 में नई सरकार बनी थी, NDA की सरकार, मोदी की सरकार, तो आप बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, 2014, 15, 16 या 17, आते ही बना दिया था या एक दो साल में बनाए? मंगेश ने आंसर ए दिया है, सुरुचि ने डी दिया, 2017, ओके, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही होगा, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, मैं एक हिंट देता हूँ कि उसने आते ही स्टार्ट कर दी थी, तो कौन सा आंसर होगा? अगर आते ही स्टार्ट कर दिए तो कब होगा, नई गवर्नमेंट कब आई थी, सबसे पहला प्रोजेक्ट लगभग इसका सबसे पहले में से ये प्रोजेक्ट था, 2014 में स्टार्ट हुआ है, आपको जनधन योजना का पता है, सबके बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, अभी भी जनधन, और उसमें क्या एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टार्ट किया गया था कि भाई सबके कल को अगर पैसा अगर जमा कराना पड़े तो बैंक के अकाउंट तो पहले खुले, और फिर उसके अंदर बहुत सारे मतलब बैंक के अकाउंट खोले गए थे पूरे करोड़ों की संख्या में, और आई थिंक गांव-गांव में शायद ही कोई अछूता रहा हो उसका जिसका अकाउंट नहीं खुला हो इसके द्वारा, और जैसे वुमेन का जैसे कि ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी है, ये सब कुछ उसी जनधन अकाउंट में ही जाता है। अभी भी कोविड की वजह से मोदी सरकार ने हज़ार हज़ार रुपये सबको इस जनधन अकाउंट में रुपये डाले हैं, 500-500 की दो मतलब किस्तों में पैसे डाले हैं, और वुमेन के नाम से ही अकाउंट होना चाहिए तभी पैसे डाले जाएंगे, ठीक है, तो आंसर 2015। अगला, अभी कहाँ से, अभी अगला मत कीजिए ना कोई भी, 2021 आप लोग पहले सुन लीजिए ना, कोई इतने जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोग अगर इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझेंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा, ये कल भी पूछूंगा ना आप 2000 कोई 15 लगाया कोई 16 लगाया, आपको पता होना चाहिए आते ही ये स्टार्ट कर दिया था। कोविल पट्टी, कढ़ाई कढ़ल मलाई मिठाई, ये कहाँ, इसको GI टैग मिला, कल भी GI टैग के बारे में बताया था मैंने, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो आप बताइए ये कहाँ की है, ये आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये क्या है, चक्की होती है ना, चिक्की चिक्की आप खाते हैं मूंगफली और गुड़ की, वही होती है, कहाँ की फेमस है, कहाँ की मिला, ओके, आंध्र प्रदेश लिखा है, तमिलनाडु लिखा है, बताइए और बताइए, बी लिखा है, तमिलनाडु लिखा है, और बताइए कोई, बी, ओके, आप देखो ऑप्शंस को देखना सीखो, नाम ही ऐसा है, कोविल पट्टी कढ़ाई कडलाई मिठाई, नाम ही नहीं बोला जा रहा हमसे, उड़ीसा गुजरात तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में से होगा, तो ऐसा आंसर है, आप लोग देख के तो बता नहीं सकते, कोविल पट्टी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो अगर किसी को पता है तो लिख सकता है, अदरवाइज नहीं लिख पाएगा, आंसर इज तमिलनाडु, ओके, और ये क्या होती है, एक तरह से गजक होती है ना वो, गुड़ वाली, गुड़ और मूंगफली वाली, वही होती है। तो अब GI टैग किस किस को मिल चुका है अभी तक,
आपको पता होना चाहिए कोविल पट्टी को मिल चुका है, उसके अलावा चाखहू कल बताया था मैंने, एक राइस का राइस है चाखहू, उसको मिल चुका, और उसके अलावा एक टेराकोटा बताया था गोरखपुर का, उसको भी मिल चुका। ठीक है, तो चाको राइस बताया था कल मणिपुर में होता है, और आज सेफ्रन को भी मिला है। ठीक है, वो शायद कल के जीके में आ जाएगा, सेफ्रन जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, ओके, लास्ट दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन। अभी एक पद्मश्री अवार्डी चुन्नी गोस्वामी जी की डेथ हो गई, वो कौन सा गेम खेलते थे? ये बता रहे हैं फुटबॉल बता रहे हैं लोग, हॉकी, हॉकी नहीं बता रहेगा कोई? ठीक है, ओके, सब लोग बता रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट हो नहीं सकता, हॉकी। देखो गोस्वामी है, गोस्वामी मतलब बंगाल साइड के, बंगाल के ज़्यादातर लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल ही होगा आंसर, थोड़ा सा याद रखिए ना, इसलिए ये सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फुटबॉल अगर नहीं भी पता हो तो आप लगा सकते थे, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, रोज़ न्यूज़पेपर में ये सब आता है। पद्मश्री मिला हुआ है इनको, चुन्नी गोस्वामी। ओके, अभी अभी क्या है, 2021 में हमारे देश में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली थी, पर उसको क्या किया कि वो हम लोगों को राइट्स मिलने थे इसको कराने के, बट वो शिफ्ट हो गई दूसरी कंट्री में, किन्हीं मतभेदों की वजह से, तो वो कौन सी कंट्री में शिफ्ट हुए? रशिया, सर्बिया, जापान या उज्बेकिस्तान? बताइए भैया, जो भी आपको लग रहा है वो बताइए। रशिया, सर्बिया, जापान, उज्बेकिस्तान। रशिया आंसर आया एक का। ओके, जापान भी आया, उज्बेकिस्तान भी आया, तो मतलब जो आंसर था वो नहीं आया किसी का भी, सर्बिया। सर्बिया में शिफ्ट हो गई है 2021 में, जो मुक्केबाजी की स्पर्धा होगी वर्ल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग, वो कहाँ पे होगी? सर्बिया में 2021 की। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होना है? अभी होने वाला था समर्स में, पर करा नहीं पा रहे कोरोना की वजह से, वो कंट्री ने बहुत बोला नहीं हम कराएंगे कराएंगे कराएंगे, पर फिर वो करा नहीं पा रहे। ओके, लोग बोल रहे हैं जापान जापान जापान, अरे जापान, वेरी गुड वेरी गुड, तो जापान में होना है, वो पोस्टपोन्ड हो गया 2021 के लिए, पर अभी डाउट है सब लोगों को कि शायद 2021 में भी वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नीचे सॉल्यूशंस हैं, आप लोग सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, कल हम वापस से जुड़ेंगे, दो ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे, वापस से 25 के आसपास क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, आज वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर से सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो दो टॉपिक आज के हैं उनमें से क्वेश्चंस कल आएंगे क्विज में, तो आपको पता होना चाहिए, और इनमें से भी मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर दूंगा, तो उस टाइम पे मेरे को सबका आंसर्स चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ 5-6 लोग ही वहाँ पे टाइप किए जा रहे हैं, अगर चैट में जाके आप आज देख लीजिएगा एक बार चैट में कैसे टाइप करते हैं, तो सबके आंसर्स चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको आवाज़ आई होगी सबको क्लियरली, थैंक यू वेरी मच, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं।